Swayam Prabha, Digital India, Educated India Namaskar. आज की अपनी चर्चा में हम जनता दल और जनता दल की धारा से निकले कुछ दलों के बारे में चर्चा करेंगे हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐतिहासिक रूप से जो जिसे जनता दल के रूप में जाना गया वो कैसे उभर कर सामने आया उसकी वैचारिक यात्रा क्या रही और बाद के दौर में जो अलग अलग दल जनता दल के माध्यम से उभर कर सामने आए वो कौन कौन से दल हैं अगर आप में से बहुत सारे लोग थोड़ी सी भी जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करें और मुझे उम्मीद है कि आप में से अधिकांश लोगों की राजनीति में रुचि होगी तो आप ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनके नाम के पीछे जनता दल जुड़ा हुआ है मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ अगर आप बिहार की राजनीति में जाएंगे तो आप, आप देखेंगे कि एक पार्टी है जनता दल यूनाइटेड उसके सामने जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो राष्ट्रीय जनता दल है आप उसके पड़ोस में उड़ीसा में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ जो सत्ताधारी दल है जो पिछले 20 से अधिक वर्षों से शासन कर रही है वह है बीजू जनता दल उसके बाद अगर आप कर्नाटक में जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक पार्टी है जिसका नाम है जनता दल सेकुलर और फिर आप वहाँ से वापस उत्तर प्रदेश में आएंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ की एक मुख्य पार्टी समाजवादी पार्टी है जो असल में जनता दल से निकल ही बनी है तो यह जो जनता दल नाम की पार्टियों की यात्रा है जो इनका अलग अलग विभाजित स्वरूप है उसके पीछे क्या कारण है भारतीय राजनीति में इनके उदय को इनकी मौजूदगी को कैसे देखा जा सकता है आज की चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे मेरा ज़्यादा जोर ऐतिहासिक घटनाओं को बताने के साथ साथ वैचारिक यात्रा पर भी रहेगा कि आखिर वो कौन से विचार हैं जिससे कि जनता दल के जो तमाम नेता हैं उन्होंने खुद को एक दूसरे से जुड़ा हुआ पाया और जिनके बारे में मोटे तौर पर वो आज भी यह दावा करते हैं कि वे इन विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो हम इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे हमारी कोशिश होगी कि हम आलोचनात्मक रूप से इन विभिन्न दलों की राजनीति का भी मूल्यांकन करें मैं इस बात को शुरू में ही साफ़ कर देना चाहता हूं कि ऐतिहासिक घटनाओं में छोटे छोटे पहलुओं को बताने के बजाय मेरा मुख्य लक्ष्य वैचार वैचारिक यात्रा पर रहेगा और उसके बाद मैं यह भी कोशिश करूंगा कि मैं जनता दल के नाम से या जनता दल की धारा से निकले दलों की स्थिति के बारे में आपको एक सामान्य समझ दे पाऊँ हमारी जो चर्चा रहेगी उसमें हम निश्चित रूप से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे उसके बाद हम जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चा का जो पूरा प्रयोग था 1989 या उन्नीस नवासी में उसके बारे में बातचीत करेंगे जनता दल का जो विभाजन हुआ समाजवादी जनता पार्टी का गठन हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके बाद जनता दल और समाजवादी जनता पार्टी के बिखराव की भी बात करेंगे फिर हमारी कोशिश होगी कि हम समाजवादी पार्टी समता पार्टी फिर संयुक्त मोर्चा सरकार बीजू जनता दल कर्नाटक की राजनीति और वहाँ पर जनता दल सेकुलर के उदय और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बारे में एक समझ बनाएं कि आखिर इन दलों की राजनीतिक दिशा और राजनीतिक दशा क्या है भारत की राजनीति में जनता दल एक अनूठे प्रयोग के रूप में रहा है अपने गठन के दो साल बाद ही इसने केंद्र में अपनी सरकार बना ली आ, लेकिन सरकार बनाने के एक साल के भीतर ही इसमें विभाजन की शुरुआत हो गई नब्बे के दशक के आखिरी वर्षों तक जनता दल नाम के किसी दल का अस्तित्व भारतीय राजनीति में आ, नहीं रहा हाँ ऐसा जरूर हुआ कि कई ऐसे दल बन गए जिन्होंने अपने नाम के साथ जनता दल जोड़ा लेकिन जनता दल के साथ कोई सफिक्स मतलब कोई पुछल्ला या कोई और नाम जरूर जुड़ा रहा तो राष्ट्रीय जनता दल है या जनता दल यूनाइटेड है या जनता दल सेकुलर है या बीजू जनता दल है और कुछ ने तो अपना नाम भी बदल लिया जैसे समाजवादी पार्टी लेकिन इनकी एक जो एक समय ये सभी जनता दल के रूप में थे Uh, 2019 के लोकसभा के चुनावों के समय भी जनता दल सेकुलर जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल बिजू जनता दल आदि जैसे कई दल चुनावी मैदान में थे इन सभी का 1988 में गठित जनता दल से कोई ना कोई जुड़ाव रहा है इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय राजनीति में कई दल ऐसे भी हैं जिनके नाम के साथ जनता दल नहीं जुड़ा है लेकिन ये भी जनता दल के विभाजित होने के बाद ही एक अलग राजनीतिक दल के रूप में उभर कर आएँ मिसाल के तौर पर हरियाणा में राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी जनता दल प्रयोग ने भारतीय संसदीय राजनीति के जातिगत स्वरूप को बदलने और पिछड़ी जातियों का उभार कराने में ज़बरदस्त भूमिका अदा की अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि जनता दल से जुड़े नेता खुद को समाजवादी धारा और लोहिया और जयप्रकाश नारायण की राजनीति से जुड़ा हुआ मानते हैं राम मनोहर लोहिया का जिक्र पीछे भी हमने कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करते हुए की है जब हम राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसे नेता की तस्वीर उभरती है जिन्होंने समाजवाद और गैर कांग्रेसवाद के बुनियाद पर स्वतंत्र भारत में अपनी राजनीति की चाहे वो राम मनोहर हो, लोहिया हों या जयप्रकाश नारायण हों भारत की आज़ादी के आंदोलन में इन्होंने काफ़ी यशस्वी और काफ़ी एक गहरी छाप छोड़ने वाली भूमिका अदा की और उन्नीस के आंदोलन के समय इन दोनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही लेकिन जो आज़ादी के बाद के इनकी राजनीति है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से अलग हो गई आज़ादी मिलने के कुछ समय बाद ही आ, कुछ वर्षों के बाद जयप्रकाश नारायण राजनीतिक रूप से आ, उतने सक्रिय नहीं रहे और वो दूसरी तरह के आ, की राजनीति में सक्रिय हो गए जिसमें कि गांधीवादी संगठनों के साथ जुड़कर वो काम करते रहे और चुनावी राजनीति से उन्होंने खुद को अलग कर लिया लेकिन राम मनोहर लोहिया लगातार कांग्रेस की राजनीति के खिलाफ एक विकल्प बनाने की कोशिश करते रहे अगर हम लोहिया और जयप्रकाश के विचारों को देखें तो उसमें आ, हम जाति की बात ख़ास तौर तो पर लोहिया के राज के लेखन में हम जाति की बात देख सकते हैं और आ, वो इस बात पर जोर देते हैं कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनको सत्ता में भागीदारी करने का हक़ है और उनकी सत्ता में भागीदारी बढ़ने की बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए उन्होंने जो पार्टी बनाई उसमें आ, यह नारा भी दिया गया कि सनसोपाने बाँधी घाट पिछड़ा पावे में साठ यानी कि और वो पिछड़ों की उनकी जो परिभाषा थी उसमें महिलाएं भी सम्मिलित थीं पिछड़ी और दलित जातियां भी सम्मिलित थीं तो वो ये चाहते थे कि इन जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़े और जैसे जैसे एक ऐसी स्थिति आई कि कांग्रेस के भीतर जो नए उभर रहे समूहों को समायोजित करने की क्षमता थी वह सीमित होती गई वैसे वैसे जो अन्य समूह थे वो लोहिया और अन्य दलों की राजनीति से जुड़ते गए लोहिया ने इसके अलावे और जयप्रकाश ने भी छोटे या मध्यम उद्योगों पर जोर दिया और वो चाहते थे कि बहुत कम बड़े उद्योग हों तो आ, उनके एक तरीके से एक वैकल्पिक आर्थिक नीति जो गांधी की नीति के काफ़ी करीब थी वो उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की विकेंद्रीकरण पर इनका काफ़ी जोर रहा राम मनोहर लोहिया का भी और जयप्रकाश नारायण का भी जयप्रकाश नारायण ने तो एक समय में दलीय राजनीति की भी तीखी आलोचना की थी तो मुख्य रूप से मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि राम मनोहर लोहिया ने एक ऐसी राजनीति का विकास किया जिसमें उन्होंने विशेष रूप से समाज के पिछड़े तबकों में राजनीतिक चेतना लाने की कोशिश की और सत्ता में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया इसके अलावा उन्होंने गैर कांग्रेसवाद की नीति पर जोर दिया और एक ऐसी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की जिसमें कि मज़दूरों किसानों के हितों का ध्यान रखा जाए जिसमें बड़े उद्योग और बड़े पूंजीपतियों के हितों के बजाय इस बात का ध्यान दिया जाए कि कैसे लघु या मझोले स्तर के उद्योग बढ़ें मज़दूरों के हितों को बढ़ावा मिले किसानों के हितों की सुरक्षा हो तो इस लिहाज से यह जो पूरी राजनीति उभर कर सामने आई साठ के दशक में जो उनकी पार्टी थी उसको धीरे धीरे मजबूती मिली लोहिया के मृत्यु के बाद इस पार्टी की धारा अलग अलग राज्यों में भी मजबूत हुई विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में बिहार में कुछ हद तक उड़ीसा और कुछ हद तक कर्नाटक में बिहार में आ, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता उभर कर सामने आए जब पचहत्तर में आपातकाल लग आपातकाल लगा और उसके पहले जब बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें चूँकि जयप्रकाश नारायण सक्रिय राजनीति में नहीं थे तो वो सक्रिय राजनीति में वापस आते हैं और उन्होंने छात्र आंदोलन को एक नेतृत्व प्रदान किया अगर हम बाद के दौर में जो नेता जनता दल में उभर कर आए उनके वैचारिक या उनकी, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखें तो हम ये पाएंगे कि इनमें से अधिकांश नेता जो थे वो इस छात्र आंदोलन से निकले हुए थे चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों चाहे वो नीतीश कुमार हो या कई अन्य ऐसे नेताओं को इसमें शामिल किया जा सकता है रामविलास पासवान और शरद यादव जैसे नेता पहले से राजनीति में सक्रिय थे लेकिन वो ज़्यादा निखर कर इस आंदोलन से ही सामने आए और इस आंदोलन में भी ज़्यादातर जो पिछड़े जाति के युवा थे उनकी भागीदारी रही और इसने एक वैकल्पिक राजनीति की रूपरेखा प्रस्तुत की जनता पार्टी के गठन में जो सोशलिस्ट तबका था जो पहले लोकदल या सोशलिस्ट पार्टी के रूप में था उसकी भी एक हिस्सेदारी उसमें रही और बाद में जब जनता पार्टी टूटी तो सोशलिस्ट नेताओं की इस बात पर आग्रह करने या जोर देने से ही टूटी कि जो जनसंघ के सदस्य हैं जो जनता पार्टी में मिल चुके हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपना नाता तोड़ें मैं यहाँ ये आपके सामने रेखांकित करना चाह रहा हूँ कि वैचारिक रूप से जो जनता दल 1980 के दशक के आखिरी वर्षों में सामने आया उसकी बुनियाद जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के विचारों में सन्निहित थी और इसमें हम एक ऐसी वैकल्पिक राजनीति देख सकते हैं और ख़ासतौर पर खुद लोहिया और जयप्रकाश नारायण भी आचार्य नरेंद्र देव के साथ मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को बनाने वाले नेताओं में थे तो एक समाजवादी धारा की राजनीति उसमें थी जिसमें कि भारतीयता पर जोर दिया गया भारत की संस्कृति या भारत के प्रति समर्पण जैसे मुद्दों को महत्व दिया गया लेकिन इसके साथ ही समाज के पिछड़े दबे कुचले तबके को ज़्यादा सशक्त बनाने और एक ऐसी आर्थिक नीति को अपनाने की बात कही गई जो कि समाज के वंचित तबकों के हितों को बढ़ावा दे ना कि पूंजीपतियों के हितों को तो ये जो एक धारा थी उसमें हम इस बात पर लगातार जोर देख सकते हैं और यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो समाजवादी धारा थी उसने लगातार सर्वधर्म संभाव की जो बात है उस पर जोर दिया तो उसका एक टकराव जो आरएसएस या जनसंघ की राजनीति से थी उससे था लेकिन राम मनोहर लोहिया ने जब एक बड़ी शक्ति के रूप में उस समय कांग्रेस को देखा तो उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का जो विचार बनाया उसमें इन दलों को भी साथ रखा और बाद में जयप्रकाश नारायण ने भी जनता पार्टी में इन दलों को साथ लाने विशेष रूप से जनसंघ को और कुछ दक्षिणपंथी सोच वाले नेताओं को साथ लाने पर जोर दिया तो इससे एक वैचारिक आ, दुविधा की स्थिति भी हम आ, जो समाजवादी धारा के नेता हैं उनके भीतर देख सकते हैं और ये बात जनता दल के टूटने के बाद कुछ नेताओं के भारतीय जनता पार्टी के नजदीक जाने और कुछ अन्य नेताओं के धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने में भी साफ़ होती है कि एक जो द्वंद्व राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की राजनीति में था कि क्या गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के नाम पर दक्षिणपंथी राजनीति के साथ जुड़ा जा सकता है वह अंतरद्वंद अभी भी इन दलों की या इन दलों से जुड़े नेताओं की राजनीति में मौजूद रहा तो मुझे यह उम्मीद है कि इस चर्चा से आप यह समझ पाए होंगे कि एक वैचारिक पृष्ठभूमि किस तरह की थी उन नेताओं की जो जनता दल से जुड़े थे और वहाँ अगर कुछ अलग तथ्य आएगा तो उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाते चलूँगा कि किस तरीके से जनता दल के सारे नेता जब जनता दल गठित हुआ तो वो समाजवादी धारा से नहीं आए थे मिसाल के तौर पर वीपी सिंह लेकिन जब हम इस बिंदु पर आएंगे तो हम और विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे बहरहाल जैसे मैंने आपको बताया कि सतहत्तर में सरकार बनी सतहत्तर की सरकार ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई और 1980 आते आते तक जनता पार्टी का प्रयोग पूरी तरह विफल हो गया और जनता पार्टी कई भागों में बट गई 1980 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस की सरकार की वापसी हुई उन्नीस में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनावों में कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत मिला और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने इन चुनावों में नाकामी के बाद विपक्षी दलों के हौसले काफी पस्त हो गए थे लेकिन उन्नीस आते आते कांग्रेस की सरकार की स्थिति खराब होने लगी बोफोर्स तोप सौदे में खुद प्रधानमंत्री पर दलाली खाने का आरोप लगने लगा राजीव गांधी सरकार के वित्त मंत्री वी पी सिंह ने सरकार से इस्तीफा दे दिया वे धीरे धीरे गैर कांग्रेसी राजनीति की धुरी के रूप में उभरे वी पी सिंह की शुरुआत ने शुरुआत में जन मोर्चा का गठन किया बाद में 11 अक्टूबर 1988 को लोक दल कांग्रेस एस और जन मोर्चा के विलय से जनता दल का गठन हुआ अब हम ये ध्यान देंगे कि लोक दल ही वह एक धारा थी जहाँ से समाजवादी नेता मोटे तौर पर आ, इससे जुड़े हुए थे और इसमें एक और वीपी सिंह थे जिनका उस तरीके से समाजवादी धारा से कोई जुड़ाव नहीं था तो दूसरी ओर देवीलाल और, देवी और चंद्रशेखर जैसे नेता भी थे जो लंबे समय से गैर कांग्रेसवाद की राजनीति कर रहे थे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह इससे जुड़े और इसके अलावा बिहार में कर्पूरी ठाकुर भी इससे जुड़े हालांकि कर्पूरी ठाकुर का उस समय देहांत हो चुका था तो दूसरे नेता जो कर्पूरी ठाकुर के बाद थे वो इससे जुड़े विशेष रूप से लालू प्रसाद यादव उस समय उतने बड़े नेता नहीं बने थे लेकिन वो बिहार में विपक्ष के नेता बन चुके थे तो कर्पूरी ठाकुर के समर्थक या उनके अनुयायी भी इस पार्टी से जुड़े और ये सभी एक लोक दल की धारा के साथ आगे आ रहे थे जनता दल के गठन के कुछ महीने पहले ही सात दलों ने मिलकर राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया था जनता दल के गठन के बाद वह राष्ट्रीय मोर्चा का सबसे व्यापक आधार वाला दल बन गया राष्ट्रीय मोर्चा या नेशनल फ्रंट जो है वह एन टी रामाव की अध्यक्षता में बना था और एन टी रामाव एक मजबूत नेता के रूप में उभरे थे आंध्र प्रदेश में और उन्होंने छः महीने पहले अपनी पार्टी का गठन किया और फिर उन्नीस के चुनाव में कांग्रेस को चुनाव में से सत्ता से हटाने में सफलता प्राप्त की उन्नीस में पार्टी का गठन करने के छः महीने बाद ही और उसके बाद वी सिंह को इस पार्टी का संयोजक बनाया गया वी सिंह एक मजबूत और लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे क्योंकि यह माना गया कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है इसीलिए उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटना पड़ा और एन टी रामाव भी एक गैर कांग्रेसी वादी की राजनीति के धुरी के रूप में उभर रहे थे क्योंकि आंध्र प्रदेश की जो राज्यपाल थे उन्होंने उनकी सरकार को गलत तरीके से हटाकर भास्कर राव को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की थी और उस समय सारे गैर कांग्रेसी दलों ने इनका समर्थन किया था और यह माना जा रहा था कि एन टी रामाव का दक्षिण में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में गहरा प्रभाव है जिसके कारण से वो कांग्रेस को काफ़ी गंभीर चुनौती दे रहे हैं तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो ये पूरी एक गैर कांग्रेसवाद की राजनीति थी जो जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी और वाम दल वामपंथी दल उस समय तक जुड़े हुए नहीं थे अब जो वामपंथी दल और भाजपा दोनों ने ही एक तरीके से राष्ट्रीय मोर्चा से मधुर संबंध बनाए रखा उन्नीस के लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी उसे कुल एक सीटों पर जीत मिली जनता दल दूसरे बड़े सबसे दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में सामने आया जनता दल के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय मोर्चे ने भाजपा और वाम दलों के समर्थन से और इन दोनों ने बाहर से इसे समर्थन दिया था आ, आ, बाहर से समर्थन देने का अर्थ है कि मंत्रिमंडल में ये दल शामिल नहीं हुए थे और इससे इनकी सरकार बनी और प्रधानमंत्री पद के लिए जनता दल के भीतर काफ़ी खींचतान हुई चंद्रशेखर चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने आ, लेकिन और चौधरी देवीलाल की स्थिति एक आ, दल के बुजुर्ग मुखिया के रूप में थी लेकिन चौधरी देवीलाल ने वीपी सिंह को अपना समर्थन दिया और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और देवीलाल उप प्रधानमंत्री लेकिन चंद्रशेखर ने शुरुआत से ही इस फैसले के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर दी केंद्र में आ, तो यहाँ बस ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जनता दल की धारा जिस रूप में बनी उसमें सिर्फ समाजवादी धारा के लोग नहीं थे उस समय कुछ गैर कांग्रेसवाद के नाम पर सामने आए लोग भी इसमें शामिल हुए और जो सत्ता की राजनीति थी वो वी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही शुरू हो गई और एक मजबूत नेता के रूप में चंद्रशेखर ने इससे अपनी नाराजगी जाहिर की और जो अन्य राज्य थे बिहार और उत्तर प्रदेश वहाँ भी जनता दल की सरकार बनी और जब जनता दल की सरकार बनी तो निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव पहले से ही एक बड़े नेता थे और वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद यादव संयोग से बिहार के मुख्यमंत्री बने हालांकि कर्पूरी ठाकुर के बाद वो विपक्ष के नेता बन चुके थे लेकिन रामसुंदर दास और रघुनाथ झा के रूप में जो उस समय के स्थापित नेता थे उनका मुकाबला करते हुए बहुत कम विधायक दल के भीतर जो चुनाव हुआ उसमें बहुत कम विधायकों के ज़्यादा समर्थन मिलने के कारण यानी कि संख्यात्मक रूप से लालू प्रसाद यादव को जितने विधायकों का समर्थन मिला राम सुंदर दास को और राम सुंदर दास को जितने विधायकों का समर्थन मिला दोनों में काफ़ी कम अंतर था लेकिन लालू प्रसाद यादव फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने और ये इसलिए बताना महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दोनों शख्सियतों विशेष रूप से लालू प्रसाद यादव के उभार ने उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश और बिहार यानी कि मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को और लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और वीपी सिंह की शुरुआत वीपी सिंह सरकार कई तरह के मुश्किलों में घिरी रही और भारतीय जनता पार्टी यह चाहती थी कि वह राम मंदिर के मुद्दे को ज़्यादा प्रमुखता से उठाए और जनता दल के भीतर चौधरी देवीलाल का दबदबा था और कई बार वीपी सिंह के लिए वो परेशानी का सबब बनते रह, बनते रहते थे क्योंकि देवीलाल और चंद्रशेखर के संबंध भी काफ़ी अच्छे थे और राजनीतिक रूप से चंद्रशेखर वी सिंह का विरोध कर रहे थे क्योंकि उनकी यह मंशा थी कि वो प्रधानमंत्री बने और ऐसे में ही अगस्त 1990 में वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया गौरतलब बात यह है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता वाले आयोग का गठन 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने किया था और इसे यह काम दिया गया कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी नौकरियों में या शैक्षिक संस्था में आरक्षण या उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के संबंध में यह वह एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें मंडल आयोग के रूप में प्रसिद्ध इस आयोग को मंडल आयोग इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे और आ, आ, उनके नाम के आधार पर इसे मंडल आयोग कहा गया इसके बाद मंडल आयोग ने यह सिफारिश की थी कि साढ़े सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में पिछड़ी जातियों को मिलना चाहिए लेकिन 1980 में सत्ता में वापस आने पर इंदिरा गांधी सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया वीपी सिंह सरकार द्वारा इस सरकारी नौकरियों में इस आयोग की सिफारिशों को लागू करने के फैसले का ऊंची जाति के युवाओं ने तिखा विरोध किया और उस समय बिहार और उत्तर प्रदेश में और कई अन्य राज्यों में भी दिल्ली में भी इस तरीके के विरोध काफ़ी तेजी से हुए आ, लेकिन आ, इसका एक काउंटर इफेक्ट भी हुआ और वह यह कि जिन नेताओं ने जोर शोर से आरक्षण का समर्थन किया उन्हें पिछड़ी जाति के युवाओं का काफ़ी समर्थन मिला और वो एक तरीके से नायक के रूप में उभरे चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो चाहे वो रामविलास पासवान हो चाहे वो शरद यादव हो और वीपी सिंह को तो निश्चित रूप से गरीबों का मसीहा कहा जाने लगा और इसके साथ ही एक दूसरी राजनीति हो रही थी और कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा पर निकले थे और लालू प्रसाद यादव ने खुद को एक सेकुलर राजनीति के नायक के रूप में प्रस्तुत करते हुए लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने का फ़ैसला किया और उसके बाद वीपी सिंह सरकार से भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया और वह सरकार गिर गई उसके बाद के समय में चंद्रशेखर जो पहले से ही प्रधानमंत्री बनने की मंशा पाले हुए थे उन्होंने अपने समर्थक सांसदों के साथ अपना नाता तोड़ा और एक नई पार्टी समाजवादी जनता पार्टी का गठन किया कई राज्यों में जनता दल के प्रमुख नेता भी इसमें शामिल हो गए उत्तर प्रदेश में जनता दल के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह भी चंद्रशेखर की पार्टी में शामिल हो गए हालांकि लालू प्रसाद यादव वी सिंह के साथ ही रहे लोकसभा में अल्पमत में आने के कारण वी सिंह सरकार का पतन हो गया और कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर ने अपनी सरकार बनाई यह सरकार तकरीबन चार महीने तक ही चली इसके बाद कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण उन्नीस में मध्यावधि चुनाव हुए उन्नीस सौ इक्यानवे के उन चुनाव में जनता दल का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और इसे ग्यारह दशमलव सात सात प्रतिशत वोटों के साथ उनसठ सीटों पर जीत मिली और चुनावी प्रदर्शन खराब रहने का एक बड़ा कारण यह था कि दल में विभाजन हो चुका था इसके अलावा बिहार उड़ीसा और कर्नाटक जैसे राज्यों में इसकी उपस्थिति थी यहाँ यह उल्लेखनीय है कि चंद्रशेखर की पार्टी का चुनाव में भी कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा और उसमें सिर्फ पाँच सांसद जीतकर आए अब एक ऐसी स्थिति आती है जिससे कि जनता दल और समाजवादी पार्टी दोनों में एक बिखराव की स्थिति शुरू हो जाती है और कई अलग अलग तरीके के दल बनते रहते हैं और यह पूरी प्रक्रिया बाद के समय में और ज़्यादा तेज़ी से उभर कर सामने आती है जहाँ मेरी कोशिश यह होगी कि मैं आपको इन दलों के के गठन के बारे में जो घटनाक्रम है उसके बारे में बताऊँ और फिर जब हम अलग अलग दलों की बात करेंगे तो हम उनकी राजनीतिक यात्रा की भी चर्चा करेंगे और जब आ, हम इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो समाजवादी या जनता दल की धारा से जुड़े दल हैं उनकी भीतर ऐसी कौन सी खामियां कौन से, से कमियां रहीं जिसके कारण से ये अलग अलग धड़ों में बट गए और इन्होंने राष्ट्रीय राजनीति को गहरे रूप से प्रभावित करने का एक मौका या एक संभावना जो थी उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया या पूरी तरीके से उसे बिखेर कर रख दिया तो इसलिए शुरुआती दौर में हम थोड़ा क्रोनोलॉजी और थोड़े घटनाक्रमों को समझने की कोशिश करते हैं तो जब उन्नीस सौ का चुनाव हुआ मैंने अन्य एपिसोड में यह बताया है कि उस समय कैसे वी पी पी वी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी की हत्या हुई तो यहाँ हम मुख्य रूप से जो जनता दल के भीतर घटनाक्रम हो रहा था उसी पर ध्यान देंगे तो इन चुनावों के बाद जनता दल और समाजवादी जनता पार्टी दोनों में बिखराव की शुरुआत हो गई जनता दल के टूटने की प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी थी गुजरात में जनता दल के नेता चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री थे और आ, उन्होंने भाजपा द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद 1990 में अपनी अलग पार्टी जनता दल गुजरात का गठन किया और आगे चलकर अपनी पूरी सरकार के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए उन्नीस में अजीत सिंह कई सांसदों के साथ अलग होकर अपनी पार्टी जनता दल अजीत का गठन करते हैं और फिर उसके बाद वो पीवी वी नरसिम्हा राव की पार्टी को समर्थन देते हैं यानी कि कांग्रेस पार्टी को सरकार को समर्थन देते हैं और वहाँ मंत्री भी बनते हैं बाद में और अभी वर्तमान समय में वे राष्ट्रीय लोकदल नामक पार्टी के अध्यक्ष हैं जिसका मुख्य प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना जाता है हरियाणा में चौधरी देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने भी समाजवादी जनता पार्टी से अलग होकर अपनी इंडियन नेशनल लोकदल का निर्माण किया इस पार्टी पर चौटाला परिवार का एकाधिकार है और इनके भीतर भी कुछ स्तर पर विभाजन चलते रहता है और यह हरियाणा में गैर कांग्रेसी राजनीति करती है और केंद्र में इसने राजक सरकार को भी अपना समर्थन दिया और बाद के समय में चौटाला भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल गए उनके पुत्र को भी जेल हुई और उनके एक जो पोते हैं दुष्यंत चौटाला वो भाजपा को उन्होंने अपना समर्थन प्रदान किया हरियाणा विधानसभा चुनावों के बाद जो कि 2019 में हुए थे जो मुख्य बात है कि ये छोटे छोटे जो दल उभर कर सामने आए उनकी नीति की तरफ मैं आपका इशारा कर रहा हूँ कि चौधरी अजीत सिंह की राजनीति कैसी रही चिमन भाई पटेल के बाद चूँकि चिमन भाई पटेल खुद ही कांग्रेस में मिल गए तो चिमन भाई पटेल का जब मुख्यमंत्री तो काल ख़त्म हुआ तो उसके बाद चूँकि वो इस दुनिया से चले गए तो उनके साथ उनकी जो राजनीतिक विरासत थी वो भी खत्म हो गई और मोटे तौर पर हम इन तीनों ही तरह के घटनाक्रमों में अपने एक प्रभाव के दायरे को बचाकर रखने की चाह या कोशिश को देख सकते हैं ओम प्रकाश चौटाला यह चाहते थे कि हरियाणा में उनका जो उनकी जो उपस्थिति है वो ज़्यादा मजबूत तरीके से रहे तो उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया जिसका मुख्य प्रभाव हरियाणा में ही रहा बाद में उस पार्टी के में भी दो विभाजन हुए उनके और वो उनके परिवार के लोगों उनके पुत्रों के बीच में विवाद के रूप में हुए तो आ, और इसके अलावा चौधरी अजीत सिंह की राजनीति भी एक छोटे क्षेत्र तक सिमट कर रही और इसके बाद एक महत्वपूर्ण पार्टी का गठन हुआ वो मुलायम सिंह यादव के समाजवादी पार्टी थी आ, मुलायम सिंह यादव ने एक हद तक ख्याति या कुख्याति पाई थी 1990 में अयोध्या में कार के खिलाफ गुले चलाकर और जो हिंदुत्व की राजनीति का समर्थन करने वाले लोग थे उनके लिए वो एक खलनायक बन गए थे और जो लोग आ, कुछ हद तक संविधान या सेकुलर मूल्यों को ज़्यादा तरजीह देते दे थे उनके लिए वो एक नायक बन गए थे कि उन्होंने मस्जिद को चलाने के लिए राज्य सत्ता का उपयोग मस्जिद को बचाने के लिए राज्य सत्ता का उपयोग किया तो उनकी एक अपनी पहचान काफ़ी मजबूती से उभर कर सामने आई थी और उन्होंने समाजवादी जनता पार्टी से खुद को अलग किया और आ, अपनी एक अलग पार्टी बनाई उन्होंने समाजवादी पार्टी उसके बाद कि उनकी राजनीतिक यात्रा काफ़ी अच्छी रही क्योंकि जो जनता दल की धारा है उसका जो एक वैकल्पिक चेहरा उत्तर प्रदेश में बने वो मुलायम सिंह यादव ही बने और उन्होंने उसके बाद से लेकर और वर्तमान समय तक भी वो अपनी समाजवादी पार्टी को एक मजबूत दल के रूप में स्थापित करने में सफल रहे उन्होंने कांसी राम की बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर उन्नीस का विधानसभा चुनाव लड़ा जिसमें उन्हें जीत मिली वो कुछ समय तक मुख्यमंत्री रहे बाद में मायावती के नेतृत्व में भाजपा के समर्थन से सरकार बनी तो वो विपक्ष में चले गए और फिर वो मुख्यमंत्री बने 2003 में और 2007 तक मुख्यमंत्री रहे और उसके पहले भी वो उन्नीस सौ नवासी में मुख्यमंत्री रह चुके थे 2012 के चुनावों में इनकी पार्टी को फिर से सफलता मिली पूर्ण बहुमत मिला चुनाव मुलायम सिंह यादव के नाम पर लड़ा गया था और उनके पुत्र अखिलेश यादव भी काफ़ी ज़ोर शोर से प्रचार कर रहे थे तो मुलायम सिंह यादव ने अपने पुत्र अखिलेश यादव को पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद दे दिया और दो तक उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव काम करते रहे 2017 के चुनाव के बाद इन्हें हार मिली और फिर उन्होंने उस वो चुनाव उन्होंने कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके लड़ा था 2019 का चुनाव उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठजोड़ करके लड़ा था लेकिन जो समाजवादी पार्टी है वो कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई यह भी ध्यान देने की बात है कि दो हजार बाद के दशक में 2004 और 2009 के चुनावों में लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को अच्छी सफलता मिली लेकिन ये कोई बहुत अहम भूमिका केंद्र की के राजनीति में नहीं निभा पाए और मुख्य रूप से इन्होंने एक समर्थन प्रदान किया यूपीए की सरकार को और मौजूदा समय में जो आ, उत्तर प्रदेश की राजनीति है वहीं तक इनका मुख्य प्रभाव सीमित है और वहाँ पर भी यह तीन स्तरों पर जो संघर्ष चल रहा है मुख्य रूप से कांग्रेस भी एक खिलाड़ी के रूप में है लेकिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तो उसमें एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में भाजपा के सामने समाजवादी पार्टी मौजूद है और इसने यह कोशिश की कि आ, समाज के पिछड़े तबकों को अपने साथ जोड़े लेकिन मुख्य रूप से यह यादव जाति और मुस्लिमों के समर्थन आधार पर काम करने वाली पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई इसकी राजनीति की बहुत सारी सीमाएं हैं लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात है कि अपनी राजनीति के माध्यम से उन्होंने एक वैकल्पिक स्वरूप उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रदान करने की कोशिश की इनके शासन की कई बार आलोचना होती है क्योंकि यह या, यानी कि इनके शासन से यहाँ तात्पर्य अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव सबके शासन से है जो समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे कि अक्सर इनके शासन में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाती है परिवारवाद को काफ़ी बढ़ावा इनके द्वारा मिलता है लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि समाजवादी पार्टी के रूप में जनता दल से अलग होकर मुलायम सिंह यादव ने एक ऐसी पार्टी बनाई जो कि क्षेत्रीय स्तर स्तर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल रही है आगे इसकी कुछ सीमाओं और इसकी राजनीति की कुछ विडंबनाओं की हम बात करेंगे तो ये समाजवादी पार्टी का भी हमने विस्तार से थोड़े विस्तार से जिक्र इसलिए किया क्योंकि यह उन्नीस में गठित हो चुकी थी एक पार्टी के रूप में समता पार्टी भी उभर कर सामने आई थी जो कि बाद में जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा बनी जनता दल यूनाइटेड में चूंकि अन्य दल भी जनता दल धारा के जुड़े हुए थे इसलिए उसका हम एक बार और जिक्र करेंगे लेकिन ये जो समता पार्टी नामक दल था वह इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस ये दल उ में बना समता पार्टी और फिर इसने सबसे पहले अकेले चुनाव लड़ा और उसके बाद इसने भारतीय जनता पार्टी से भी अपना गठजोड़ कायम किया तो ये पहली ऐसी पार्टी थी उत्तर भारत में जो एक पूरी धारा है समाजवादी धारा उसकी जिसने कि भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ कायम किया और इसमें जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जैसे नेता जुड़े हुए थे और जो मैंने आरंभ में आपको यह बताने की कोशिश की कि राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की धारा में पूरी तरीके से दक्षिणपंथी राजनीति का नकार शामिल नहीं था तो उस धारा से जुड़े जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने इसी आधार पर भाजपा के साथ अपने जुड़ाव को सही साबित करने की कोशिश की और उन्होंने यह बताया और या इस बात पर जोर दिया कि गैर कांग्रेसवाद के नाम पर या फिर जो बिहार के स्तर की राजनीति है उसमें एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए वो इस ओर जा रहे हैं तो समता पार्टी एक समय के बाद जब जनता दल यूनाइटेड बना तो इस नाम की पार्टी खत्म हो गई लेकिन जनता दल यूनाइटेड का एक बड़ा हिस्सा असल में समता पार्टी से ही संबंधित है उसके बारे में मैं थोड़े विस्तार से आपको और आगे बताऊंगा लेकिन उन्नीस में जो ये सारे उन्नीस सौ से पहले ये सारे घटनाक्रम हुए जैसे मैंने गुजरात की बात की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनता दल अजीत की बात की या फिर हरियाणा और फिर समाजवादी पार्टी और समता पार्टी तो ये सारी घटनाक्रम उन्नीस से पहले हुए थे लेकिन इन विभाजनों के बावजूद जनता दल बिहार उड़ीसा और कर्नाटक जैसे राज्यों में मजबूत स्थिति में था और उन्नीस के लोकसभा चुनावों के बाद जनता दल को कुछ कुल छियालीस सीटों पर जीत मिली और इन चुनावों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी लेकिन उसके पास अपने बलबूते पर सरकार बनाने का समर्थन नहीं था और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक सरकार बनी जो कि तेरह दिनों तक चली और उसके बाद तीसरे मोर्चे की सरकार बनी जिसे संयुक्त मोर्चा के नाम से जाना गया जनता दल के नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी देवगौड़ा इस सरकार में प्रधानमंत्री बने कांग्रेस और वाम दलों ने इस सरकार को बाहर से समर्थन दिया वाम दलों में से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सरकार में शामिल भी हुई नौ महीने के भीतर कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस ले लिए जाने के कारण यह सरकार गिर गई बाद में कांग्रेस ने जनता दल नेता इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व वाले सरकार को अपना समर्थन दिया यह सरकार भी सात महीने चल पाई इस सरकार के गिरने के बाद उन्नीस में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हुए और उसके बाद भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी यह सरकार तेरह महीने तक ही सत्ता में रह पाई ये एक ऐसा घटनाक्रम है जो कि पिछले जब मैं भाजपा का जिक्र कर रहा था तब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था तो इसके विस्तार में अभी हम नहीं जाएंगे लेकिन जनता दल की राजनीति पर इस दौर में आ, किस तरह की कारक काम कर रहे थे उसे किस तरह की विभाजनों का सामना करना पड़ा उसका मैं जिक्र जरूर करूंगा तो आ, क्योंकि 1999 में फिर से वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं लेकिन उन्नीस से 2004 तक के बीच का जो दौर होता है वह जनता दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह कई भागों में विभाजित हो गया जनता दल से अलग होकर बने पार्टियों में बीजू जनता दल का नाम एक प्रमुख दल के रूप में लिया जाता है लिया जा सकता है और इसे जनता दल बीजू असल में आ, लिखा जाता है औपचारिक रूप से और इसने हमें यह याद रखने की जरूरत है कि बीजू पटनायक जनता दल के एक कद्दावार नेता थे और उन्नीस से पंचान के पंचानवे के बीच उन्होंने यहाँ जनता दल की सरकार का नेतृत्व किया था उन्नीस के विधानसभा चुनावों में जनता दल की हार हुई उन्नीस में बीजू पटनायक की मृत्यु हो गई उनकी जगह उनके बेटे नवीन पटनायक अपने पिता के लोकसभा क्षेत्र से चुने गए नवीन पटनायक यह चाहते थे कि वे उड़ीसा में कांग्रेस को हराने के लिए भाजपा से गठजोड़ करें लेकिन जनता दल के भीतर इसकी गुंजाइश नहीं थी और इसी कारण उन्होंने 26 दिसंबर उन्नीस को बीजू जनता दल का गठन किया बीजू जनता दल ने लोकसभा चुनावों में भाजपा से गठजोड़ किया और इस गठबंधन को अच्छी खासी सफलता मिली और नवीन पटनायक केंद्र में खनन मंत्री बने वाजपेयी की सरकार में सन 2000 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में इस गठजोड़ को बहुमत मिला और नवीन पटनायक राज्य के मुख्यमंत्री बने नवीन पटनायक उसके बाद से लगातार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और 2009 के चुनावों में इन्होंने जो विधानसभा चुनाव हुए इसमें उन्होंने भाजपा से अपना संबंध तोड़ लिया क्योंकि कंदमाल में दंगे हुए थे और उस समय नवीन पटनायक ने एक राजनीतिक जुआ खेला और अकेले दम पर चुनाव लड़ा लेकिन उन्हें लगातार सफलता मिलती गई नवीन पटनायक की सफलता के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वह यह कि उन्होंने एक साफ़ सुथरी सरकार दी दूसरा उन्होंने जन कल्याण की कई नीतियों को अपनाया, यानी कि ऐसी नीतियाँ जहाँ पर कि वो लगातार यह कोशिश करते रहें कि जो छोटे स्तर पे हाशिए पर पड़े हुए समूह हैं उनकी भलाई के लिए काम हो तो इन जन कल्याणकारी नीतियों का भी नवीन पटनायक को काफ़ी लाभ हुआ और इसके कारण से इन्हें चुनाव में लगातार जीत मिलती रही नवीन पटनायक की राजनीति की जो एक सीमा है वह यह मानी जा सकती है कि ये बहुत ज़्यादा संतुलन स्थापित नहीं कर पाए जो विकास की गतिविधि होती है जिसमें कि खनन का काम होता है जिसमें कई बार भूमि अधिग्रहण की ज़रूरत होती है और जो समाज के जो हाशिए पर पड़े समूह हैं उनके हितों के बीच में तो इसके कारण से आ, कई बार देशी विदेशी कंपनियों के प्रवेश को लेकर राज्य पर कई आंदोलन भी हुए इसे नवीन पटनायक की छवि थोड़ी कई बार कमज़ोर होती हुई लगी लेकिन उनके शासन के जो दूसरे आयाम थे उनके बेहतर प्रदर्शन और कमज़ोर विपक्ष के कारण उनके राजनीतिक वर्चस्व को कोई खास चुनौती नहीं मिली नवीन पटनायक ने कभी भी मुख्यमंत्री बनने के बाद यह आ, कोशिश नहीं की कि वे अपनी राजनीति का विस्तार उड़ीसा के बाहर करें या केंद्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो आ, इनके इस इनके सीमा को हमें ध्यान रखना होगा और जब हम आगे जनता दल के नाम से जुड़े हुए दलों का आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे तो मैं इस पहलू पर और गहराई से बात करूंगा। कर्नाटक की अगर हम राजनीति की बात करें तो वहाँ पर शुरुआती दौर में एक लोक शक्ति पार्टी बनती है जनता दल से अलग होकर और बाद में जनता दल सेकुलर का निर्माण होता है एच डी देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने तो इससे कर्नाटक जनता दल के भीतर संघर्ष बढ़ गया रामकृष्ण हेगड़े और देवगौड़ा के बीच में हमेशा एक प्रतियोगी राजनीति रही एक समय था जब देवगौड़ा रामकृष्ण हेगड़े की मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे तो व्यक्तित्व के इस टकराहट के कारण वे देवगौड़ा यह चाहते थे कि रामकृष्ण हेगड़े का राज्य की राजनीति में वर्चस्व ना हो हेगड़े काफ़ी वरिष्ठ नेता थे उन्होंने इंदिरा गांधी के दौर में राज्य में गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की और कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया और राज्य के मुख्यमंत्री बने उन्नीस में दौगौड़ा के कहने पर जनता दल के तत्कालीन अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने रामकृष्ण हेगड़े को पार्टी से बाहर कर दिया हेगड़े पार्टी से निकाले जाने के बाद लोग शक्ति नामक एक पार्टी का गठन करते हैं और इसके बाद उन्नीस में उन्होंने भाजपा के साथ चुनाव गठबंधन करके चुनाव लड़ा और इसमें उन्हें अच्छी सफलता भी मिली लेकिन बाद में 1999 में उन्होंने इस पार्टी का शरद यादव के नेतृत्व वाले जनता दल में विलय कर लिया और 2003 में समता पार्टी से जनता दल के इस धड़े का विलय हो गया और जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ तो ये एक ऐसी धारा रही जिसमें कि लोक शक्ति पार्टी जो थी वो कुछ समय के लिए उभरती है और फिर वो जनता दल में मिल जाती है 2004 में जब रामकृष्ण हेगड़े की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार के सदस्य भाजपा में शामिल हो जाते हैं और इस लिहाज से जो लोक शक्ति नाम की पार्टी थी वह जनता दल यूनाइटेड का एक भाग बनकर रह जाती है जनता दल में उन्नीस में एक और विभाजन हुआ और इस समय कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री और जनता दल के नेता जे पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को समर्थन देने का फैसला किया ऐसे में एच डी देवगौड़ा जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर जनता दल सेकुलर पार्टी का गठन किया जन जनता दल सेकुलर मुख्य रूप से एक परिवार केंद्रित पार्टी है और इसमें देवगौड़ा के परिवार का ही वर्चस्व है और हालांकि जब एच डी देवगौड़ा ने इसका गठन किया था तो उन्होंने एक मुख्य कारण इसका यह बताया था कि जो जे पटेल थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया था लेकिन बाद के दौर में खुद इनके पुत्र एच डी कुमार स्वामी भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री रहे और फिर दो के चुनाव के बाद इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर भी सरकार बनाई तो एक प्रधानमंत्री होने के कारण और आ, उनकी पार्टी आ, का एक अपना महत्व है लेकिन चूंकि वो प्रधानमंत्री रहे हैं लेकिन अगर हम जनता दल सेकुलर की राजनीति को नज़दीक से जाकर देखें तो यह मुख्य रूप से देवगौड़ा के परिवार पर आधारित पार्टी के रूप में ही बनी हुई है और अब ऐसा लगता है पिछले कई चुनावों को के विश्लेषण से कि जनता दल सेकुलर अपने बूते पर कर्नाटक में अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा यह राज्य में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मौजूद है इसके बाद एक अन्य दल बनता है राष्ट्रीय जनता दल और उन्नीस में इसे एक तरह एक जनता दल का विभाजन होता है बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर उन्नीस में हजारों करोड़ रुपए के चारा घोटाले का आरोप लगा यहाँ इस कहानी पर आगे बढ़ने से पहले मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से कई सारे लोग इस बात को जानते होंगे और मैंने शुरू में इसका जिक्र किया कि लालू प्रसाद यादव संयोग से मुख्यमंत्री बने थे आ, हालांकि वो राजनीति के एक खिलाड़ी थे पर उस समय उन्हें उनसे ज़्यादा बड़े नेताओं की चुनौती का सामना करना पड़ा था जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने तो आरक्षण विरोधी आंदोलन के समय एक दृढ़ नज़रिया अपनाकर और एक मुख्यमंत्री के रूप में गरीबों के लिए काम करने वाले नेता की छवि बनाकर उन्होंने उन्नीस के चुनाव में जीत हासिल की लेकिन उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती गईं उन्नीस सौ के चुनाव से पहले ही उनके नज़दीकी सहयोगी नीतीश कुमार उन्हें छोड़कर जा चुके थे और उसके बाद चारा घोटाले के रूप में एक ऐसा घोटाला सामने आया जिससे लालू प्रसाद यादव की ना सिर्फ छवि को धक्का लगा बल्कि वो कानूनी दाव पेच में भी उलझते चले गए और इसके कारण से जब एक बार पार्टी अध्यक्ष का चुनाव हुआ चारा घोटाला आरोप लगने के के बाद जनता दल राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव चुनाव तो शरद यादव से वो चुनाव हार गए और लालू को यह लगने लगा कि जनता दल के भीतर रहकर वे भी अपने राजनीतिक वजन का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उन्हें यह डर भी था कि जनता दल की तरफ से राष्ट्रीय नेतृत्व के तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है और उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने उन्नीस में राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया और उनके स्थान पर उनकी पत्नी चारा घोटाले में अगर जब जेल जाने की नौबत आई तो मुख्यमंत्री बनी और राष्ट्रीय जनता दल जो है उसकी जो पूरी राजनीतिक यात्रा है उसमें उस पर अगर हम ध्यान दें तो लालू प्रसाद यादव ने भी मुलायम सिंह यादव की तरह ही एक कोशिश की कि मुख्य रूप से यादव और मुस्लिम जाति के लोगों का एक सामाजिक आधार बनाया जाए जिसमें अन्य पिछड़ी जातियाँ और अन्य समूह भी जुड़ें और इसके आधार पर राज्य की राजनीति में उन्हें सफलता मिली और 2000 का चुनाव भी उन्होंने जीता लेकिन 2005 में उन्हें राज्य की में सत्ता से हाथ धोना पड़ा और उसके बाद से इनकी राज्य की राजनीति में मुख्यमंत्री के रूप में इनके पार्टी के सदस्यों की वापसी नहीं हुई केंद्र में लालू प्रसाद यादव यूपीए वन में मंत्री रहे रेल मंत्री के रूप में इनके काम की काफ़ी तारीफ हुई तो राष्ट्रीय जनता दल जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो यह बात है कि वह बिहार में अपने पैर को जमाने में सफल रहा 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी के साथ इनका गठजोड़ हुआ और इनकी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और इन्होंने अपने दो पुत्रों को मंत्री बनवाया और एक पुत्र को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनवाया जो कि तेजस्वी यादव थे और तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बने उसके बाद जब 2020 का चुनाव हुआ तो इनकी पार्टी जोरदार तरीके से मुकाबला देने में सफल रही भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन को लेकिन ये चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकें और आखिरकार सरकार भाजपा और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन की ही बनी लेकिन जो एक बड़ी बात है लालू प्रसाद यादव की राजनीति में वो यह कि उन्होंने अपने आप को भारत के एक जो सर्वधर्म संभाव जिसे हम कह सकते हैं या एक गंगा जमुनी तहजीब की जो राजनीति होती है उसके एक झंडा के रूप में एक बहुत गहरे समर्थक के रूप में प्रस्तुत किया और उन्होंने भाजपा की राजनीति का हमेशा ही मुखर विरोध किया और इस लिहाज से वो खुद को जॉर्ज फर्नांडिस या नीतीश कुमार जैसे अन्य सोशलिस्ट नेताओं से अलग कर पाएँ लेकिन इनकी राजनीति की जो एक बड़ी सीमा रही वह यह कि इन पर और इनके परिवार पर भ्रष्टाचार का काफ़ी आरोप लगा और दूसरे स्तर पर ये पार्टी को एक ऐसा स्वरूप नहीं दे पाए जहां पर इनके परिवार से इतर अन्य नेता भी आगे नेतृत्व तो संभालने की एक क्षमता का विकास कर सके इसका अर्थ यह नहीं है कि इनकी पार्टी में सिर्फ आ, आ, इनके परिवार के लोग ही हैं कई अन्य वरिष्ठ नेता भी इनकी पार्टी में रहे हैं लेकिन मुख्य रूप से जन राष्ट्रीय जनता दल की छवि एक ऐसे पार्टी के रूप में ही बनी जो कि एक परिवार केंद्रित पार्टी है जिसमें एक परिवार का वर्चस्व है इसके बाद जनता दल यूनाइटेड एक पार्टी के रूप में है जिसमें कि उन्नीस में मैंने आपको बताया कि कर्नाटक में जनता दल सेकुलर का निर्माण हुआ और जनता दल के शेष बचे हिस्से ने जनता दल के विभिन्न घटकों को जोड़ने की कोशिश की आ, और शरद यादव ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई और आखिरकार समता पार्टी जनता दल के शेष बचे भाग और कर्नाटक की लोक शक्ति पार्टी ने मिलकर जनता दल यूनाइटेड या जदयू का गठन किया लेकिन बहुत जल्दी रामविलास पासवान इससे अलग हो गए और उन्होंने 2000 में अपनी एक अलग पार्टी बनाई लोक जनशक्ति पार्टी और उसके बाद अगर हम ये ध्यान दें खासतौर पर बिहार की राजनीति में तो वहाँ पर जो कम से कम 2020 के चुनावों के पहले तक जो मुख्य खिलाड़ी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रहे धीरे धीरे भाजपा से इनको काफ़ी चुनौती मिली और यह चुनौती इसलिए ज़्यादा गंभीर है क्योंकि नीतीश कुमार अपनी पार्टी में नए नेतृत्व का विकास नहीं कर पाए लेकिन इस मुद्दे पर जाने से पहले मैं यह बताना चाहूँगा आपको कि जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने अपने आप को जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जिसकी छवि साफ थी जिसकी जिसने जिसके राज्य के लोगों में एक अपील थी और इसके कारण से न सिर्फ दो हज़ार पाँच में मुख्यमंत्री बने बल्कि दो हज़ार दस में उन्हें और ज़्यादा बड़े बहुमत से जीत मिली और उसके बाद दो हज़ार पंद्रह में भी आ, इन्हें जीत मिली कुछ समय के लिए भाजपा से अलग हुए राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव में मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने फिर से भाजपा के साथ गठजोड़ कर लिया और दो हज़ार बीस में इनकी पार्टी की सीटें काफ़ी कम हुई पहले की तुलना में और यह 50 से भी कम सीटों पर सिमट कर रह गए लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री के रूप में इन्हें समर्थन प्रदान किया तो ये एक अलग तरह की चुनौती का सामना कर रहे हैं इनकी पार्टी एक अलग तरह की चुनौती का सामना कर रही है रामविलास पासवान की जो पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी उसकी सबसे अच्छी स्थिति 2005 के चुनावों के बाद हुई थी जो मार्च 2005 में पहले चुनाव हुए थे और वो 27 तकरीबन 27 सीटों तो पर जीत कर आए थे और सभी दलों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया हालांकि उस समय उनकी यह जिद थी कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई मुस्लिम होना चाहिए बाद में दो के चुनाव के समय इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ कायम किया लेकिन यह जो पार्टी है रामविलास पासवान की पार्टी वह बिहार में एक इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं बन पाई कि यह खुद को राज्य स्तर पर एक पार्टी के रूप में स्थापित कर पाए इसकी जो भूमिका है वह एक ऐसी पार्टी की रही जिसके पास सात या आठ या पाँच से दस प्रतिशत तक के वोट होते हैं और यह विभिन्न गठबंधनों के खेल को बिगाड़ने की क्षमता रखती है और 2020 के चुनावों में भी आ, जो रामविलास पासवान के देहांत के बाद इनके पुत्र हैं चिराग पासवान उन्होंने एक अलग तरीके से चुनाव लड़ा जहाँ पर उन्होंने भाजपा के सामने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए पर बाकी दलों के सामने अपने उम्मीदवार खड़े किए और कई विश्लेषक यह मानते हैं कि इन चुनावों में जो नीतीश कुमार का प्रभाव कम हुआ उनकी सीटें कम हुई उसमें लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही लेकिन आ, कुल मिलाकर मैं एक कहना यह चाह रहा हूँ कि जो जनता दल से अलग होकर अलग अलग दल बने उन्होंने उनकी उन्हों, उन्हों यात्रा अलग अलग तरीके से हुई अधिकांश दल जो हैं उन्होंने अपने आप को एक राज्य तक सीमित कर लिया और उस राज्य के भीतर भी कई दल तो सत्ताधारी दल के रूप में रहें या मुख्य विपक्षी दल के रूप में रहें और उन्होंने कुछ खास तरीके की नीतियों को आगे बढ़ाया आ, लेकिन कुछ अन्य दल जो थे वो राज्य के भीतर भी सिकुड़ते चले गए सिमटते चले गए अब अगर मैं आ, इनकी कुछ कमियों की बात करूं तो मैं कुछ बिंदुओं में वो बातें रखूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप भी इन बिंदुओं को एक की के बारे में एक समझ रखते हैं आ, लेकिन मैं उसे और ज़्यादा स्पष्टता से सामने लाने की कोशिश करूँगा आम तौर पर अगर हम जनता दल के रूप में जो पार्टी बनी थी और उसके पहले जो समाजवादी धारा से पार्टी चली आ रही थी उसके नेताओं के बीच विभाजन के कारणों पर विचार करें तो वह विभाजन किसी वैचारिक अंतर्द्वंद्व से ज़्यादा व्यक्तिगत अहम और व्यक्तिगत हित के कारण हुआ अगर शरद यादव के अध्यक्ष बनने के बाद लालू प्रसाद यादव एक अलग पार्टी के बनाते हैं तो उसके पीछे बहुत वैचारिक संघर्ष नहीं था सिवाय इसके कि वो अपने आप को बिहार के भीतर एक सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित करना चाहते थे उसी तरीके से हरियाणा में जो राष्ट्रीय लोकदल या, या नेशनल लोकदल के रूप में जो पार्टियाँ बनी या अजीत सिंह ने जब अपनी पार्टी बनाई तो उसके पीछे भी यही सोच थी कि वो एक खास भौगोलिक इलाके में अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहते थे तो इसका अर्थ यह था कि जो वैचारिकी होती है जो एक सोच होती है देश की राजनीति को दिशा देने की उस सोच का इन नेताओं में अभाव था और उन्होंने अपने व्यक्तिगत अहम के कारण या अपने व्यक्तिगत प्रभाव क्षेत्र को बनाए रखने के लिए ऐसा किया और ये जो एक राष्ट्रीय राजनीति के स्तर की जो सोच है उसकी कमी को भी दिखाता है हालांकि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल किसी न किसी गठबंधन से जुड़े रहे और उन्होंने उसको समर्थन प्रदान किया लेकिन इन दलों ने बहुत गंभीरता से इस बात का प्रयास नहीं किया कि वो आपस में जुड़ें और राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा मोर्चा बनाएं जिससे वैकल्पिक राजनीति को आगे बढ़ाया जा सके या उस धारा की राजनीति को आगे बढ़ाया जा सके जिससे जुड़े होने का ये दावा करते हैं यानी कि समाजवादी धारा इसके स्थान पर इन्होंने अपने अपने हितों को ध्यान दिया और अगर हम इसमें परिवारवाद के तत्व को जोड़ दें तो यह बात ज़्यादा साफ तरीके से सामने आएगी जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का उदाहरण लें तो हम यह पाते हैं कि समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के बारे में यही सच है जनता दल सेकुलर के बारे में भी यह बात सच है और बीजू जनता दल एक व्यक्ति की पार्टी है और जनता दल यूनाइटेड भी एक व्यक्ति की पार्टी है अलग अलग पार्टी के भीतर धाराओं का अस्तित्व नहीं दिखता है तो परिवारवाद या व्यक्तिवाद जो है वो जनता दल से जुड़े दलों की एक बहुत बड़ी सीमा रही है और इस सीमा के कारण हम यह देख सकते हैं कि आ ये नहीं चाहते हैं कि राज्य की राजनीति में अगर एक राष्ट्रीय पार्टी बनती है तो अन्य खिलाड़ी आएँ इसलिए इनके लिए सुविधाजनक स्थिति यही है कि एक राज्य के स्तर की पार्टी इनके पास हो जिसमें कि पूरी तरीके से इनका वर्चस्व हो इनका दबदबा हो और ये उसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में एक तरह का लेन देन करें अपने लिए मंत्री पद मांगें या अन्य संसाधनों पर दावेदारी ठोकें तो ये जो एक बड़ी कमी है परिवारवाद के रूप में उसके कारण से जो जनता दल आ, के रूप में जो दल रहे हैं या उसके पीछे जो एक वैचारिकी काम कर रही थी वो काफ़ी हद तक बिखर चुकी है और उसकी उसका वास्तविक अस्तित्व अब नहीं दिखता है क्योंकि अगर जैसे राम मनोहर लोहिया की राजनीति का उदाहरण लें तो उसमें परिवारवादी सोच पर काफ़ी प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए लेकिन उनके अनुयायी होने का दावा करते करने वाले नेता न सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं बल्कि मुख्य एजेंडा भी उसे ही बना लेते हैं उसी तरीके से आ, हम एक अन्य कारक के रूप में भ्रष्टाचार को भी रख सकते हैं सारे जो जनता दल से निकले नेता हैं वो आ, उन पर आ, आर्थिक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप नहीं लगे हैं नवीन पटनायक पर इस तरह का कोई आरोप नहीं है आ, मुलायम सिंह यादव पर भी औपचारिक रूप से ऐसा कोई आरोप नहीं है नीतीश कुमार पर भी नहीं है लेकिन अगर हम आ, मीडिया के खबरों को देखें और एक आम प्रचलित धारणा को देखें तो परिवारवाद को भी एक तरीके के भ्रष्ट आचरण के रूप में रखा जा सकता है और कई नेताओं पर मैं निश्चित रूप से इस बात को रेखांकित करना चाहूँगा कि इसके अपवाद हैं पर कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे हैं और आ, तो मैं जो बिंदु आपके सामने रख रहा था एक तो ये कि व्यक्तिगत अहम और व्यक्तिगत वर्चस्व की चाह दूसरा परिवारवाद तीसरा राष्ट्रीय स्तर के सोच की कमी मिसाल के तौर पर 20 साल से ज़्यादा समय से मुख्यमंत्री होने के बावजूद नवीन पटनायक यह कोशिश नहीं करते हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को एक दिशा दे सकें इसके बजाय यह लगता है कि वो उड़ीसा की राजनीति से संतुष्ट हैं उसी तरीके से नीतीश कुमार की राजनीति से अक्सर यह समझ बनती है कि उनकी मुख्य जो चिंता है वह यह है कि किसी भी तरीके से राज्य में उनका वर्चस्व कायम रहे और देश की राजनीति में एक हस्तक्षेप करने की सोच नहीं दिखती है एक आ, अन्य कमी के रूप में हम सांप्रदायिक राजनीति से समझौता करने की प्रवृत्ति को भी रख सकते हैं हालांकि मैंने जैसा आपको पहले बताया कि हर आ, राजनीतिक दल जिसने इस तरह की राजनीति की है समाजवादी धारा की वह सांप्रदायिक राजनीति से नहीं जुड़ा रहा लेकिन बहुत सारे ऐसे दल हुए जिन्होंने की आ, और यहाँ सांप्रदायिक राजनीति को हमें आ, एक आ, ऐसे शब्द के रूप में लेना चाहिए जो कि दक्षिणपंथी राजनीति से जुड़ाव के रूप में है तो भाजपा से इन लोगों ने काफ़ी संबंध बढ़ाएं और आ, आ, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी और उसके पहले जब वो समता पार्टी के रूप में थी उसे सम्मिलित किया जा सकता है आ, जो हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी है जो कि ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल की विरासत से आती है उसने भारतीय जनता पार्टी से अपना संबंध कायम किया तो एक जो एक आ, बुनियादी विचार उभर कर आ, सामने नब्बे के दशक में आया कि वो एक गैर कांग्रेसीवादी और गैर भाजपा की राजनीति है और भाजपा से अगर समझौता लेते भी हैं तो अपने शर्तों पर वो अंतर्विरोध शुरू में ही था और बाद में भी यह चीज़ ज़्यादा स्पष्ट रूप से सामने आई जहां पर बहुत सारे जनता दल की धारा से जुड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से अपना संबंध कायम करते हैं वैकल्पिक आर्थिक नीति का भी कोई बड़ा मॉडल जनता दल के नेता प्रस्तुत नहीं कर पाए बीजू जनता दल कुछ हद तक लोक कल्याण की नीतियों के सहारे आम लोगों की भलाई के काम को बढ़ावा देने वाली पार्टी के रूप में सामने आई लेकिन नीतीश कुमार या फिर हम कहें समाजवादी पार्टी की तरफ से एक वैकल्पिक आर्थिक मॉडल सामने आया ऐसा नहीं माना जा सकता है तो इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि जो जनता परिवार से जुड़े हुए जनता दल की धारा से निकले हुए दल हैं उनका भारत की राजनीति के बड़े क्षेत्र पर प्रभाव है अगर हम आ, सिर्फ मोटे तौर पर इसकी गणना करने की कोशिश करें तो आ, उत्तर प्रदेश बिहार उड़ीसा कर्नाटक जैसे राज्यों में अगर हम इनके प्रभाव को मिला लें तो ये कुल मिलाकर 140 से 150 लोकसभा की सीटों पर प्रभाव रखने वाले दल के रूप में सामने आते हैं लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर कोई विकल्प देने में बिल्कुल ही असमर्थ हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने अपनी वैचारिक धारा को ताक पर रखते हुए व्यक्तिगत अहम की तुष्टि के लिए राज अलग अलग राजनीतिक कैंप बनाकर राजनीति करने को वरीयता दी है और इसके कारण से जो समाजवादी धारा की राजनीति है न सिर्फ वो कमज़ोर हुई है बल्कि उसने एक ऐसी राजनीति को भी बढ़ावा दिया है जहाँ पर एक तरह का अवसरवाद दिखता है जहाँ पर परिवारवाद दिखता है और जहाँ पर ऐसे नेतृत्व की उपस्थिति दिखती है जो सिर्फ अपने पारिवारिक वर्चस्व को बढ़ाए रखने के लिए विचारधारात्मक स्तर पर समझौता करने के लिए तैयार है तो यह कहा जा सकता है कि जनता दल एक अनूठा प्रयोग था उसके पहले जनता पार्टी भी एक तरह के प्रयोग के रूप में थी लेकिन बाद के नब्बे के दशक में इसमें बिखराव हुआ कुछ हद तक कुछ जगहों पर इसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कुछ वैकल्पिक बहुत ही सीमित मात्रा में वैकल्पिक राजनीति देने की कोशिश भी की लेकिन मौजूदा समय में यह एक ऐसे बिखरी हुई शक्ति के रूप में है जो या तो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर अपनी राजनीतिक शाख बचाए रखने की कोशिश कर रही है और अगर यह कांग्रेस या, या भारतीय जनता पार्टी से समान दूरी पर है तब भी जैसे कि नवीन पटनायक तब भी यह खुद को एक क्षेत्र विशेष तक सीमित रखकर संतुष्ट है और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पे कोई आ, हस्तक्षेप करने की आ, अभी तक आ, ऐसा लगता है कि उसका कोई स्वप्न या उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है ये जो पूरी चर्चा मैंने आपके सामने रखी उसका मुख्य लक्ष्य यही था कि हम कांग्रेस भाजपा और वाम दलों के अलावा जो एक अन्य धारा हमारे देश की राजनीति में है जनता पार्टी या समाजवादी सोच वाले दलों की धारा उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि और उसकी ऐतिहासिक विकास उसकी टूटन उसकी विखंडन और उसकी विडम्बनाओं यानी उसकी सीमाओं को आपके सामने रख पाए मुझे ये उम्मीद है कि आप आ, अब आ, इन दलों की जो वैचारिक पृष्ठभूमि है उसको ज़्यादा स्पष्टता से समझ पाए होंगे और उसके बारे में आ, आप एक आलोचनात्मक समझ बनाने में भी सफल हो पाएंगे आ, और कई अन्य जो इससे जुड़ी हुई अध्ययन सामग्री है उसकी तरफ अगर आप और जाएंगे तो आप इन दलों के विचारधारा के बारे में और गहराई से समझ पाएंगे आ, मुझे उम्मीद है कि इस आ, व्याख्यान के बाद आप इस तरीके के साहित्य को और पढ़ने की कोशिश करेंगे और जनता परिवार या समाजवादी धारा की जो आंतरिक विरोधाभास हैं या उसके जो मज़बूत पहलू हैं उनकी एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं अपने इस व्याख्यान को यहीं विराम देता हूँ और अगले अंक में हम मिलेंगे और भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा करेंगे नमस्कार